गरीब बहन की ससुराल में पहली दिवाली पर आए तीन अमीर भाई। 15-17-18 साल के अभिमन्यु विवेक शेखर अपनी माँ की जलती चिता को देख रहे थे। 5 साल की उनकी छोटी सी बहन राखी भाइयों की उंगली पकड़े हुए थी। चारों घर आ जाते हैं। भैया, माँ कहाँ है? देखो मेरे बाल कितने ज्यादा उलझ गए हैं। माँ को बोलो ना आकर मेरी चोटी बना दे। तीन भाइयों की आंखों में आंसू भर आते हैं। डबडबाई आंखों से बहन की ओर देखकर अभिमन्यु बोलता है, मैं तुझे कैसे समझाऊ मेरी प्यारी बहन, माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। एक पहाड़ तो भगवान ने तोड़ा है, अब ये सच बात कर, तेरे कांच जैसे नाजुक दिल पर मैं दूसरा पहाड़ नहीं तोड़ना चाहता हूँ। किसी तरह अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अभिमन्यु दुलारते हुए बोलता है, आज अपनी प्यारी प्यारी बहन के बाल उसके भैया बनाएंगे, चल आजा। आ भैया, बाल दर्द करे। अच्छा ठीक है, आराम से करता हूँ। जहाँ अभिमन्यु बड़े प्यार से राखी के बाल बनाता है, दोनों भाई विवेक शेखर उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। सारे बच्चों के पिता मनवीर रायचंद्र सफल उद्योगपति थे, इसलिए अपने बाद वो बच्चों के लिए काफी सारी संपत्ति छोड़कर गए थे। तीन बेटों के पैदा होने के बाद बेटी पैदा हुई थी, इसलिए तीनों अमीर भाइयों की जान बहन में बसती थी। देखते ही देखते 15 साल गुजर जाते हैं। राखी बेहद सुंदर जवान हो जाती है। जिधर देखो उधर दिवाली की चहल पहल चाही हुई है। हर साल की तरह इस साल भी तीनों भाइयों ने खूब सारे तोहफे खरीदे हुए थे। दिवाली की सुबह सुबह जब राखी अपने मखमल के बिस्तर पर सो रही होती है तो तीनों उसे जगाते हैं। अरे उठ जाओ हमारी प्यारी दुलारी बहन, देखो आज दिवाली है। गुड मॉर्निंग भैया, आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मेरी प्यारी बहन को भी। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी दिवाली का गिफ्ट। और ये मेरी तरफ से। और ये तुम्हारे बड़े भाई की तरफ से। थैंक यू भैया, खोल कर देख लो। हाँ बिल्कुल, खोल कर देखो। राखी एक एक करके अपने तीनों भाइयों के दिए हुए दिवाली के गिफ्ट को खोलकर देखती है। एक के अंदर बहुत ही सुंदर सी ड्रेस होती है, दूसरे में डायमंड सेट होता है और तीसरे में काफी महंगी चॉकलेट्स होती हैं। वाओ, मेरे फेवरेट नट्स वाले चॉकलेट्स। थैंक यू भैया। भैया देखना जरा, चॉकलेट देखकर तो हमारी बहन कितनी ज्यादा खुश हो जाती है, जैसे आज भी हमारी वही छोटी सी राखी हो। विवेक, चाहे हमारी ये बहन जितनी भी बड़ी हो जाए, हम तीनों भाइयों के लिए तो ये आज भी हमारी वही छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी शहजादी ही है। देखते देखते कितने साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। हमारी राखी शादी के लायक हो गई है। कल को ये अपने तीनों भाइयों को घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी तो हम भाइयों का क्या होगा। हमारी प्यारी बहन तेरे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी भैया? मैं बताता हूँ, वो हमने इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन शौर्य सिंघानिया ने तुझे पसंद किया है। मेरी बहन दिवाली के बाद वो तुझे देखने आ रहे हैं, फिर रिश्ता पक्का करके हम तेरी शादी करवा देंगे। ये सुनकर राखी के खुशियों से खिले चेहरे पर मासूमियत सी छा जाती है, क्योंकि वो तो गरीब श्याम को दिल दे बैठी थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे श्याम से मुलाकात करनी होगी। राखी अपनी सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर कार में बैठकर दिवाली के दिन श्याम के घर आती है। एक पुराना कच्चा सा मकान जहां दिवाली की खास रौनक नहीं थी। दहलीज पर मिट्टी के दिए ही जल रहे थे। घर के अंदर बुजुर्ग माता पिता नारायण सत्यवती बहन कुमकुम और श्याम बैठे थे। राखी रोते हुए श्याम का नाम पुकारती है। श्याम मैं आ गई। राखी तुम यहाँ अचानक? श्याम मेरे तीनों भाई मेरा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं, एक बार तुम उनसे आकर हमारे रिश्ते की बात कर लो। राखी तुम्हारे भाई लोग मुझ जैसे गरीब के साथ तुम्हारा रिश्ता करवाने के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे, और सच तो यही है कि तुम इस गरीबी में मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हारे तीनों भाइयों ने तुम्हें नाजों से पाला है, तुम उनकी मर्जी से शादी कर लो, खुश रहोगी। ये सुनकर राखी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। हाउ डेयर यू श्याम, तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले। मैं सिर्फ तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ, तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मुझे ये गरीबी भी गवारा है, अब फैसला तुम्हारा है। ठीक है, मैं कल जाऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। अगले दिन श्याम राखी के आलिशान घर में आता है, जहां उसके तीनों भाई अमीर उसे बेहद जलील करते हैं। दो कौड़ी के गरीब के लड़के, तूने ख्वाब में भी कैसे सोचा कि हम अपनी फूल जैसी बहन की शादी तुझसे करवाएंगे। जिसकी खुद की कमीज फटी हुई है, चप्पल घिसी हुई है, वो हमारी बहन को दे ही क्या सकता है। बस शेखर भैया,
मैं अपने श्याम की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो मेरे होने वाले पति हैं। मुझे लगा था खुशी खुशी आप लोग मेरी शादी करवा देंगे, लेकिन मैं ही पगली गलत थी। चलो श्याम। राखी अपने तीनों भाइयों का घर त्याग कर मंदिर में श्याम के साथ फेरे लेकर शादी करके उसके गरीब परिवार को अपना मान लेती है। कुछ ही दिनों में तीनों भाई भी चारुलता, पूजा, सिमर नाम की लड़कियों से शादी रचा लेते हैं और अपने परिवार में सुख अमीरी में जिंदगी बिताने लगते हैं। जबकि राखी, जो हमेशा से ठाट बाट में रही थी, गरीबी में खुद ढल चुकी थी। एक सुबह पता नहीं आज इस चूल्हे को क्या हो गया जो जल ही नहीं रहा है। बहू को परेशान होता देखकर सत्यवती आती है। क्या हुआ बहू, इतना धुआं क्यों उठ रहा है चूल्हे में से? ओहो, उपले जो अंदर से गीले तो हैं, तो आज भी कहां से सुलगेगी बहू? जब आज न लगे तो इतनी जतन करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालकर उपले जल जाते हैं। राखी की सास नंद हमेशा ही उसे घर के कामकाज में मदद करती थी। दोनों का बर्ताव उसके साथ बहुत ही मिठास भरा था। अब दिवाली आने वाली थी। बेटा श्याम, शादी के बाद बहू की पहली दिवाली है। इस बिचारी ने महलों की रानी की जिंदगी जी है अपने भाइयों के घर में, और आज कहां इसे हमारी मड़ई जैसे घर में रहना पड़ रहा है। घर का रंग पेंट बिल्कुल झड़ गया है, पुताई करवा देता। करवा तो देता, लेकिन इस बार फैक्ट्री में दिवाली का खास काम नहीं निकला, इसलिए तनख्वाह मिला ही नहीं, हाथ तंग है। अरे बेटा, तू ऐसा कर, मुझे रंग पेंट लाकर दे दे, मैं पूरा घर पेंट कर दूंगा। घर में बैठा बैठा करता ही क्या हूँ, दिवाली का टाइम है, पेंट वाला आएगा तो ज्यादा पैसे मांगेगा। ठीक है पिताजी। राखी के पहली दिवाली को खास बनाने के लिए गरीब ससुराल वाले अपनी तरफ से काफी मेहनत कर रहे थे। ननद कुमकुम हर साल दीपावली पर रोड पर बैठकर मेहंदी लगाती थी। इस साल राखी भी उसके साथ मेहंदी लगा रही थी ताकि वे लोग दिवाली थोड़े अच्छे से मना पाए। वहीं तीनों अमीर भाई अपनी पत्नियों के साथ अपनी अपनी कार में बैठकर दिवाली की शॉपिंग के लिए निकले थे। तभी शेखर राखी को रोड पर बैठकर मेहंदी लगाते देखता है। जी बहन जी, आपको पूरी हथेली भरवानी है या बेल डिजाइन लगवानी है? अगर बेल डिजाइन लगवानी है तो 200 रुपए एक हाथ, और भरवानी है तो 200 रुपए का लगेगा। दोनों में पूरी हाथ भर दो। जी ठीक है। बहन की गरीब हालातों को देखकर शेखर का गुस्सा खत्म हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है शेखर, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं चारुलता, आंखों में कचरा चला गया होगा। मन में दुख लेकर शेखर घर आ जाता है। इधर रोड साइड लगे बाजार से राखी दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीदती है, जहां इस बार उसका भाई अभिमन्यु टकराता है। भैया ये मिट्टी के दिए 50 रुपए की कर दो, घर की आगे आगे जला देंगे। ये लो बहन जी दिए। अभिमन्यु अपनी बहन को देखकर इमोशनल सा हो जाता है। उसे गुजरी दिवाली याद आती है, जहां तीनों अमीर भाई आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बाहर ले आते हैं। अरे भैया बताइए तो, आप तीनों मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? बस आ गया मेरी प्यारी बहन, अब आंखें खोलो। राखी जैसे ही आंखें खोलती है तो उसकी मनपसंद की महंगी सी काली चमचमाती कार खड़ी थी। ये तो मेरी फेवरेट कार है। तभी तो तेरे लिए खरीदी है, ये तेरे तीनों भाइयों की तरफ से तेरे धनतेरस का तोहफा। अब तो इसी कार से कहीं भी आना जाना। यू आर द बेस्ट भैया, थैंक यू फॉर दिस प्लेजेंट सरप्राइज। अचानक से अभिमन्यु बीती बातों से, बीती यादों से बाहर आ जाता है। राखी पैदल घर जा रही थी। वो कार से पीछा करते हुए उसके गरीब ससुराल में आता है, जहाँ दिवाली की किसी किस्म की रौनक नहीं थी। बहू तुम आ गई, चलो मुहूर्त निकला जा रहा है, धनतेरस की पूजा कर लेते हैं। लक्ष्मी माता को भोग लगाने के लिए मिश्री लाई हो ना? मजी पैसे नहीं बचे थे तो पता नहीं, मैं गुड़ आटे के गुलगुले बना देती हूँ, उसे भोग भी लगा देंगे और हम सब भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। हे भगवान, कैसा अभागा भाई हो, मेरी बहन इतने दुख से गुजर रही है और मैं दिवाली की खुशियां मना रहा था। अभिमन्यु घर आकर अपनी पत्नी पूजा को सब कुछ बताता है। पूजा कहती है, अभिमन्यु जी, राखी जैसी भी है आप तीनों भाइयों की इकलौती बहन है, और शादी के बाद ये उसकी पहली दिवाली है। रिवाज के हिसाब से शादी के बाद भाई बहन के घर दिवाली देने जाता है। अपनी पत्नियों के समझाने पर तीनों भाई बहन और उसके ससुराल वालों के लिए फल, मिठाइयां, कपड़े लेके दिवाली के दिन उसके ससुराल आते हैं। अपने अमीर भैया भाभी को दरवाजे पर आया देखकर बहन की आंख भर आती है, वो भागकर गले लग जाती है। भैया आप आ गए, मैं जानती थी चाहे आप मुझसे कितना भी रूठ जाए लेकिन अपनी बदनसीब बहन को भूलेंगे नहीं। तू तो हमारे कलेजे का टुकड़ा है, तुझे कैसे भूल सकते हैं। माँ जी ये कुछ थोड़ी बहुत फल मिठाइयां लाए हैं, स्वीकार कर लीजिए। अरे आइए ना भैया, आप सब खड़े क्यों हैं, अंदर बैठिए। बहू तुम अपने भाई भाभी के संग बैठकर बातें करो, मैं और कुमकुम नाश्ते पानी का इंतजाम करते हैं।
दोनों सास बहू घर आई तीन अमीर भाइयों और भाभियों की खातिरदारी करती हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की मुबारकबाद देती हैं। जमाई राजा, अब आप हमारे बहन के पति हैं, इसलिए आपको छोटी मोटी नौकरी करने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ काम करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। हाँ बोल दीजिए श्याम जी, भैया कोई गैर नहीं बल्कि हमारे अपनी है। धीरे धीरे बहन की गरीबी भी टल जाती है और उसकी जिंदगी संवर जाती है। तीनों भाई बड़े होने के नाते पिता का फर्ज निभाते हैं और सब खुशी खुशी रहते हैं। आशा ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे दिवाली के मौके पर आने वाली आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है, कॉमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।